कल हमारे उचाणा हल्के के दौरे थे और उचाणा हल्के के मुझे 3-4 गांवों के अंदर जाने का अवसर मिला और वहां के लोगों की जनभावना जानने का मौका मिला। आज मैं भी ये मानता हूं कि पूरे जींद जिले में और विशेष तौर पर उचाणा हल्का क्योंकि ये दुष्यंत जी का स्वयं अपना उनका राजनीतिक तौर पर कर्म क्षेत्र है और उनकी लोकसभा का भी एक हिस्सा है। और दुष्यंत जी जो हैं, क्योंकि मैं ये कहता रहा हूं, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, इसको पार्टी की ओपिनियन मत ले, मैं पर्सनली कहता रहा हूं कि दुष्यंत जी को उचाणा से चुनाव लड़ना चाहिए, मगर जो हालात पिछले कुछ दिनों में बने हैं और जो चर्चाएं गर्म हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से जनता को इस बात के लिए जरूर इन टाइम इन्फॉर्म करना जरूर चाहूंगा आपके माध्यम से कि दुष्यंत को पराजित करने के लिए आज सारी विरोधी ताकतें एक होने को तैयार हैं और समय आने पे मैं इसका खुलासा भी करूंगा। जींद जिले के अंदर जो यहां पर सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय चौधरी बीरेंद्र सिंह जी हैं, मैं इस बात को भी बड़े विश्वास से कह रहा हूं क्योंकि मुझे कल को आपको इस बात का जवाब भी देना है कि ये लोग भी कांग्रेस के साथ INLD के साथ, इस INLD टर्म को आप जरूर ध्यान दें, ये लोग कांग्रेस के साथ भी संपर्क में हैं, INLD के साथ भी संपर्क में हैं और ऐसा भी दिन आ सकता है कि ये लोग तीनों एकत्रित होकर के एक होकर के, क्योंकि दुष्यंत आज उभरता हुआ सितारा है, दुष्यंत हरियाणा की राजनीति की चमक है, दुष्यंत राजनीति का भविष्य बन करके उभर रहा है और आज ये सारे दुश्मन मिलकर के दुष्यंत को पराजित करना चाहते हैं, उसे समय से पहले रोकने के लिए एक होना चाहते हैं। ये भी दिन आप देख सकते हैं कि बीरेंद्र सिंह और उनका परिवार INLD की टिकट पे चुनाव लड़े, ऐसा भी दिन हो सकता है। मैं आपको इन एडवांस इस बात के लिए बता रहा हूं और मैं पब्लिक को भी इन्फॉर्म इसके लिए करना चाहता हूं कि हम लोगों को एकजुट रहना है, चाहे सारे दुश्मन ये नहीं, इस राष्ट्र की और सारी विरोधी ताकतें भी एक हो जाएं। इस बार जींद जिले की चौधर लेके आनी है, इस बार लड़ाई MP MLA की नहीं है, मैं तो कहां कल कह करके भी आया हूं कि इस बार इस जिले के लिए और उचाणा हल्के की लड़ाई जो है वो चीफ मिनिस्टर के पद की है, यानी घर का राज बनाने की है। और जो यहां के लोगों का बड़ा अधूरा एक लंबा सपना है कि जींद जिला जो है वो डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़े, यहां का जो पिछड़ापन है वो दूर हो, जींद जिला सिर्फ एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म ना लोगों का बनकर के रह जाए, जो कि लोग समय समय पर इसको यूज करते आए हैं, बल्कि इसे प्रोग्रेस के पथ पर, डेवलपमेंट के पथ पर हरियाणा का अव्वल नंबर का जिला बनाया जाए और वो तभी बढ़ना संभव है जब यहां का मुख्यमंत्री हो। और ये पहली बार ऐसा अवसर आया है, मैं समझता हूं बहुत लंबे अरसे बाद, या तो 2009 में आया था जब कुछ सीटों से हम चूक गए थे, या पहली बार उसके बाद लंबे समय बाद अवसर आया है कि जींद जिले को हरियाणा की कमान सौंपी जा सके। और जो लोग अमूमन यहां पर मजाकिया लहजे में कहते हैं कि जब तक इसे राजधानी नहीं बनाओगे तब तक काम नहीं चलेगा, तो मैं ये समझता हूं कि अब इसे राजनीतिक राजधानी बनाने का 2019 में दुष्यंत चौटाला के माध्यम से ये सही समय है और हम सब मिलकर के काम करेंगे तो निश्चित तौर पर सत्ता का केंद्र इस बार जींद रहेगा।